Hello, first standard. Welcome to English grammar lecture. Okay, we learn grammar book in chapter 4. Okay, one and one, more than one, right? We learn it chapter. You know about it. Why s and why when uses s or when uses es and when uses IES, ओके आई एक्सप्लेन इट इन लास्ट लेक्चर. ओके तो ये आपने देखा होगा कि इस चैप्टर में हमें कहाँ पे मोर देन वन होता है तो उसको हमें क्या करना है. जैसे कि मेन शब्द हो, मेन मेन वर्ड्स होते हैं उसके पीछे हम एस ही लगा देते हैं, जैसे कि बॉल्स, बैट्स, बेड्स वगैरह. लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं उसको हम क्या लगाते हैं लिखने में, बोलते तो वही है सॉरी, लेकिन लिखने में हमें स्पेलिंग चेंज हो जाता है और वो हमें आपने आपको सिखाया था. ओके नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 जेंडर. इसे हम क्या रीड करेंगे, जेंडर. नाउन्स हैव जेंडर, जेंडर्स आर ऑफ टू टाइप्स. जेंडर्स कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स. देर आर टू टाइप्स ऑफ जेंडर, मस्कुलिन एंड फेमिनिन. मतलब कि यहाँ हमारे यहाँ टू टाइप्स के जेंडर होते हैं. जो एक है मस्कुलिन मतलब पुरुषवाचक पुलिंग, राइट, एंड फेमिनिन मतलब स्त्रीलिंग. जो मस्कुलिन होते हैं वो आदमी लोग, मैन लोग, जो बॉयज वगैरह होते हैं उसको हम मस्कुलिन कहते हैं, और गर्ल्स है, लेडीज है, जो स्त्रीवाचक है उसको हम क्या कहेंगे, फेमिनिन. ओके तो यहाँ पे हमें वो चैप्टर के बारे में, जेंडर है तो जेंडर्स कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के. फर्स्ट इज अ मस्कुलिन एंड सेकेंड इज अ फेमिनिन. यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिया गया है कि कोई बॉय होता है, कोई मैन होता है, तो उसको हम वो पुलिंग कहेंगे, राइट. जो जिसको, जैसे कि लड़का, राजा, ऐसा आता है ना, वो सब वर्ड्स होते हैं उसको हम मस्कुलिन कहते हैं, मतलब कि पुलिंग कहते हैं. और लड़की, रानी, वो सब वर्ड होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं. जिसके पास ई आता है वो स्त्रीलिंग होते हैं. ओके तो इंग्लिश में भी ऐसा मस्कुलिन एंड फेमिनिन दो टाइप के जेंडर्स होते हैं. तो यहाँ पे नेम ऑफ मेल्स आर मस्कुलिन जेंडर. नेम ऑफ मेल्स मतलब जो मेल मर्द लोग है, राइट, बॉयज वगैरह है, उसके नेम है वो मस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं. एंड नेम ऑफ फीमेल्स आर फेमिनिन जेंडर. जो फीमेल्स के नेम है मतलब कि जो लड़कियां है, स्त्री है, विमेन है, वो सब क्या कहलाती है, फेमिनिन जेंडर. ओके लुक एट दिस पिक्चर्स. यहाँ पे आपको पिक्चर देके भी समझाया गया है. देखो यहाँ पे क्या है, ग्रैंडफादर, ब्रदर, तो ये दोनों क्या है, मस्कुलिन है. क्यों, क्योंकि ये दोनों मेल फीचर्स है, राइट, तो ये दोनों क्या है, मस्कुलिन है, मतलब कि पुलिंग है. एंड देर आर ग्रैंड मदर एंड सिस्टर, तो ये दोनों कैसे है, फेमिनिन, राइट, क्योंकि ये दोनों गर्ल्स है तो ये फेमिनिन है. ओके लर्न दीज जेंडर्स. ये सब जो जेंडर्स के नेम आपको ऑपोजिट वर्ड्स जो दिए गए हैं, ये आपको मस्टली ये इसको याद करना है, क्योंकि इसके बगैर आपको आंसर आएंगे ही नहीं, तो ये आपको बिल्कुल लर्न कर लेने हैं. ओके तो देखो मस्कुलिन फॉर मेल एंड फेमिनिन फॉर फीमेल. मेल और फीमेल, जो बॉय होता है वो मेल जेंडर कहलाता है और गर्ल होती है वो फीमेल जेंडर कहलाती है. देर आर मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर. लुक एट दिस जेंटलमैन. तो जेंटलमैन अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया होता है तो आपको उसका ऑपोजिट जेंडर लिखने को बोले तो आप क्या लिखोगे, लेडी. क्या लिखोगे, लेडी.
अंकल तो आंट, नेफ्यू तो नीज, मिल्कमैन तो मिल्कमेड, मिल्कमेड होगा मिल्कमैन, दूध वाला तो दूध वाली, तो इसको हम इंग्लिश में मिल्कमैन कहते, दूध वाला भैया आता है तो हम उसे मिल्कमैन कहते, लेकिन दूध वाली भी आती है तो उसे हम क्या कहेंगे, मिल्कमेड कहेंगे। ओके, मैन तो वुमेन, मतलब आदमी तो औरत। टर्न योर पेज। सन, सन मतलब मेरा बेटा, तो मेरी बेटी के लिए मैं क्या बोलूंगी, डॉटर। सन का ऑपोजिट होता है डॉटर, बॉय का गर्ल, किंग का क्वीन। सम नेमिंग वर्ड्स आल्सो रिफर टू मेल और फीमेल एनिमल्स, ये एनिमल्स के लिए भी मेल्स एंड फीमेल्स वर्ड्स होते हैं, तो ये आपको याद कर लेने होंगे, ये वाला आगे वाला और ये वाला, दोनों के दोनों आपको बिल्कुल लर्न कर लेने होंगे। ओके, पिकॉक को, अगर बॉय पिकॉक है तो उसको हम पिकॉक कहेंगे, लेकिन वो जो होती है उसकी गर्ल पिकॉक, तो उसको हम पीहेन कहेंगे, क्या कहेंगे, पीहेन। फॉक्स तो विक्सन, बुल तो काउ, डॉग तो बीच, इसको हम बीच रीड करेंगे। ओके, कुत्ता तो कुत्ती, ऐसे आपको हिंदी में भी आएगा कि जैसे कि लड़का तो लड़की, राजा तो रानी, बेटा तो बेटी, तो वो उसका ही ये सब इंग्लिश में है। ओके, हॉर्स तो मेर, टाइगर तो टाइग्रेस। कलर द मस्कुलिन वर्ड इन रेड एंड फेमिनिन वर्ड इन ग्रीन, अब यहाँ पे आपको कलर्स यूज करने हैं, तो इसको आपको मैं फील करके ही दिखाऊंगी मेरे, क्योंकि यहाँ पे आपको जो कल मेल है उसके ऊपर आपको कौन सा कलर करना है, रेड कलर करना है, और गर्ल है मेल में फीमेल वर्ड है उसके ऊपर आपको ग्रीन कलर फील करना है, तो ब्रदर है, सर है, फिर मास्टर है, हस्बैंड है, प्रिंस है, कुक है, हॉर्स है, बुल है, डक है, वो सब में आपको रेड कलर फील करना है, और ये है प्राइस्ट है, हैन है, लेडी है, सिस्टर, वाइफ, काउ, वो सब में आपको ग्रीन कलर फील करना है। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, वॉट इज द ऑपोजिट जेंडर फॉर द कलर्ड वर्ड, यूज टू इट राइट सेंटेंस अगेन, वन हैज डन फॉर यू, ये यहाँ पे जो आपको डार्क फॉन्ट में दिया गया है उसको आपको उसका जेंडर चेंज करके आपको फिर से सेंटेंस लिखना है, जैसे कि देखो फॉर फर्स्ट एग्जाम्पल, द बॉय वेंट टू द बेड, तो बॉय का क्या करना है, हमें गर्ल कर देना है, द गर्ल वेंट टू बेड, सिंपल, क्यों ये, लेकिन इसके हमें ऑपोजिट आने चाहिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये सब है जो आपको दिए गए हैं बुक में वो सब आपको बिल्कुल लर्न कर लेने होंगे। ओके, तो यहाँ पे सेकंड में आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, हिज फादर ड्राइव्स कार, तो फादर का क्या हो जाएगा, हिज फादर का मदर, राइट, मदर drives a car, done. Rohan's aunt is old, तो Rohan's aunt, aunt में आपको red color दिया गया है तो aunt को हमें change करना है, तो Rohan's aunt का हो जाएगा uncle, UNCLE, uncle is old. Okay, the cook run away, तो cook का क्या होता है, the hen run away,
हियर ऑल्सो डन फॉर दिस. कुक का क्या करना है? हैन. बॉय का गर्ल. ब्रदर का सिस्टर. ग्रैंड मदर का ग्रैंड फादर. बुल का काउ. एंड अंकल का आंट. ओके, समझ में आया आपको? चलो मैं यहाँ पे 1 2 है आपको आपके लिए करके देती हूँ. दिस इज अ कुक. जो वो रेड फॉन्ट में उसको हमें जेंडर चेंज करना है. दैट इज अ हैन. ही इज अ बॉय. शी इज अ गर्ल. सैम इज माय ब्रदर. सिमी इज माय ब्रदर का ऑपोजिट होगा सिस्टर. ऑपोजिट जेंडर. ओके, ग्रैंड मदर का ऑपोजिट जेंडर होगा ग्रैंड फादर. यस, सिंपल है बिल्कुल. ओके, एंड इजी भी है. बुल का क्या होगा? काउ. एंड अंकल का आंट. यहाँ पे मैच करना है. मैच द फॉलोइंग करेक्टली. तो राजा के साथ कौन होगा? रानी ही होगी ना, राइट? वो तो आपको पता ही. द किंग क्वीन. बॉय गर्ल. मैन वुमन. कुक तो हैन. ग्रैंडफादर तो ग्रैंडमदर. ओके, नाउ कंप्लीट अवर चैप्टर 5 जेंडर. ओके, बिल्कुल इजी है. सिर्फ ये जो मेल और फीमेल के नेम है ये आपको लर्न कर लेने हैं, तो इसका चैप्टर आपको बिल्कुल आसानी से याद रह जाएगा. ओके, नाउ चलो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. हम नया कुछ सीखेंगे. ओके, तब तक के लिए बाय बाय.